हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोनाफिट टैबलेट के बारे में। इस क्लोनाफिट टैबलेट की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जैसे कि इसके यूजर्स की, इसके अंदर क्या दवा होती है, क्या इसके अदर सब्स्टिट्यूट नाम रहते हैं और क्या इसकी स्ट्रेंथ आती है, किस किस यूज में इसको लिया जाता है, क्या इसका काम करने का तरीका होता है और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसकी डोज। तो वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखते हैं तभी आप इस दवा के बारे में पूरी नॉलेज ले पाएंगे। तो क्लोनाफिट टैबलेट, क्लोनाफिट जो है दोस्तों, ये इसका ब्रांड नेम होता है। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्लोनाजिपैम होता है, और क्लोनाजिपैम जो है वो जो बिलोंग करता है वो बेंजोडाइजिपिन ग्रुप से बिलोंग करता है। मतलब बेंजोडाइजिपिन एक कैटेगरी होती है, तो उस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उस कैटेगरी से रिलेट करता है क्लोनाजिपैम जो होता है। और इस क्लोनाफिट टैबलेट को जो मैन्युफैक्चर किया है, जो बनाया है, वो बनाया है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको बनाया है। और इसके प्राइस की बात करें दोस्तों, तो ये 33 रुपए में आपको मिल जाएगी, मतलब 33 रुपीज में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। लेकिन ये खुद से आपको नहीं मिलेगी, आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है, डॉक्टर के पर्चे पे ही मिलती है। आप अगर खुद से लेने जाएंगे तो आपको मेडिकल स्टोर वाला मना कर देगा, क्योंकि ये डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलने वाली दवा होती है। इसके एक स्ट्रिप के अंदर 10 टेबलेटें आती हैं दोस्तों, 0.25 mg और 0.5 mg में ये टेबलेट आती है। और दोस्तों इसको एंटी लेप्रोटिक और एंटी कन्वल्सेंट ड्रग भी बोला जाता है, एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन भी बोला जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके सब्स्टिट्यूट नाम की, मतलब ये क्लोनाफिट नाम से अगर आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं तो किन किन और नामों से इसको प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। तो लोनाजेप टैबलेट, क्लोनापैक्स टैबलेट, रिवोट्रिल टैबलेट, एकोस टैबलेट, क्लोनासिल टैबलेट और भी इसके बहुत सारे ब्रांड नेम आती हैं, बहुत सारी कंपनियां इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नामों से आपको मिल जाती है, बहुत सारे ब्रांड नेम इसके आते हैं, तो कोई भी ब्रांड से आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आपके डॉक्टर। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ। तो इसका जो यूज होता है, इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है सीजर, एपिलेप्सी के दौरों को खत्म करने में, ठीक करने में, मतलब जो मिर्गी के दौरे होते हैं उनको खत्म करने में, ठीक करने में इसको आपके डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, आपके डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा चिंता, घबराहट सी बनी हुई है, एंजाइटी बनी हुई है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा इंसोमनिया, इंसोमनिया मतलब नींद ना आना, जिसको स्लीपिंग डिसऑर्डर बोला जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है आपके डॉक्टर द्वारा। और इसके अलावा पैनिक अटैक आना, मतलब एकदम से डर जाना और घबराहट सी होना, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। या फिर मूवमेंट डिसऑर्डर होता है किसी को, हाथ और पैर में लगातार उसके कंपन रहता है, मतलब हिलते हैं हाथ और पैर उसके लगातार, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, दिया जा सकता है आपके डॉक्टर द्वारा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है जो अल्कोहल छोड़ता है, तो जब वो अल्कोहल छोड़ता है तो उसको घबराहट रहती है, नींद नहीं आती है, गुस्सा आता है, वो तनाव रहता है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन करती है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को। तो दोस्तों ये तो थे इसके यूजेस, अब बात करते हैं इसके काम करने के तरीके पे, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, ये कैसे काम करता है। ये जो है आपके ब्रेन में नर्वस सिस्टम पर काम करता है और ये डिप्रेस कर देता है थोड़ा नर्वस सिस्टम को। और इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो ये 1 घंटे में काम करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, और ये 6 से 12 घंटे तक असर करती है, मतलब 1 घंटे में जैसा अभी आपने इसको लिया तो उसके 1 घंटा बाद ये असर काम करना स्टार्ट कर देती है, उसके बाद 6 से 12 घंटे तक ये असर करती है। दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो इसके जो कॉमन से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिजीनेस हो सकती है, थकान रह सकती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा व्यक्ति, किसी भी एक चीज पे ध्यान नहीं दे पाएगा। इसके अलावा सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मुंह में लार जो होती है, लार उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो आप इस दवा को रोक दें और अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिला है, अगर जिन्होंने भी आपको प्रिस्क्राइब की है उनको बताएं। अब दोस्तों बढ़ते हैं इसके प्रिकॉशंस की तरफ, इसकी सावधानी की तरफ। अगर इसको कोई लेता है तो उसको किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। एलर्जिक है कोई व्यक्ति बेंजोडाइजिपिन ग्रुप की दवाओं से तो वो भी इस दवा को ना ले, और इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर है किसी को तो वो भी इस दवा को ना ले, ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड कोई डिसीज या डिसऑर्डर, कोई बीमारी है उसको तो वो इस दवा को ना ले, लीवर किडनी डिसीज है तो वो भी इस दवा को ना ले, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो भी इसको ना ले, या फिर ज्यादा लंबे समय तक अगर इसको कोई लेता है तो वो इसका एडिक्ट हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है, उसको लत पड़ सकती है। और इसको लेने के बाद अल्कोहल का कंजप्शन ना करें, अल्कोहल का कंजप्शन इसको लेने से पहले, इसको लेने के बाद में बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा इसको लेने के बाद कोई भी हैवी मशीन का काम ना करें या फिर ड्राइविंग ना करें। तो ये दोस्तों इसके कुछ सावधानी थी जो आपको ध्यान में रखनी है इस टैबलेट को अगर लेते हैं तो। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डोज की। तो डोज जो है वो डिपेंड करती है पेशेंट की एज, वेट, सीवियरिटी, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है डोज। तो
वो आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि आपके किस टाइप की बीमारी है, क्या दिक्कत है, आपको उसी के हिसाब से डोज दी जाती है इसकी। वो इसमें जो नॉर्मली डोज दी जाती है डॉक्टर द्वारा, वो एक टेबलेट रात को सोने से पहले एक टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है, एक टेबलेट दी जाती है, ये इसकी डोज होती है दोस्तों। बाकी जो डिपेंड करती है वो सीवियरिटी के हिसाब से डिपेंड करती है आपके। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इंटरेक्शन की, मतलब किन किन दवाइयों के साथ इसको आप नहीं ले सकते। तो ओपोइड एनाल्जेसिक के साथ इसको नहीं ले सकते, और कफ रिलीवर्स जो दवाइयां होती हैं उनके साथ भी इसको नहीं ले सकते, सिट्राजीन के साथ इसको नहीं ले सकते, मसल रिलैक्सेंट जो दवाइयां होती हैं उनके साथ भी इसको नहीं ले सकते, ओरली स्टेट के साथ इसको नहीं ले सकते। तो इन दवाइयों के साथ इसको नहीं लिया जाता दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने आपको पूरी जानकारी क्लोनाफिट टैबलेट के बारे में दी है। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस क्लोनाफिट टैबलेट के बारे में पूरी नॉलेज मिल सके। तो ऐसे ही हम इस चैनल पर दवाइयों से रिलेटेड जानकारी देते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ।